सावधान हो जाइए क्योंकि गर्मी का रेड अलर्ट है और नौतपा इस बार निचोड़ डालेगा। भीषण गर्मी से हमारे पूरे देश में लोग परेशान हैं, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और बिहार में तो रोजाना रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग भी आपस में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत परेशान कर रही है। आलम यह है कि कई जगहों पर तो कूलर और पंखों ने जवाब दे दिया है और वो गर्मी को मात नहीं कर पा रहे। वहीं मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने और कई इलाकों में लू चलने के लिए भी अलर्ट लगातार जारी हो रहा है। जाहिर है ऐसे में लोगों को रात की बारिश का इंतजार भी बड़ी बेसब्री से, लेकिन इंतजार खत्म होने के पहले अभी लोगों को नौतपा का भी सामना करना होगा। जी हां, नौतपा यानी कि वो नौ दिन जब सूरज अपने पूरे प्रचंड वेग से धरती पर आग बरसाता है। माना यह जाता है कि इन नौ दिनों तक टेम्परेचर यानी कि तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है। लू के थपड़े चलते। दरअसल हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौ तपे की शुरुआत होती है। इस बार ये 25 मई से शुरू होगा जो कि अगले महीने यानी कि 2 जून तक चलेगा। इन नौ दिनों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। आपको बता दें कि नौतपा में भीषण गर्मी होती है। नौतपा यानी 9 दिनों तक सूर्य धरती के बहुत करीब रहता है। नौतपा का आरंभ सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से। पंचांग के मुताबिक नौतपा की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाता है। उसी दिन से नौतपा शुरू होता है और कहा यह भी जाता है कि अगर 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है तो आने वाले वक्त में बारिश अच्छी होगी, जबकि नौतपा के दिनों में अगर बारिश हो जाए तो बारिश के दिनों में पानी कम गिरता है। बहरहाल मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले कुछ दिनों के लिए राहत की कोई खबर नहीं दी जा रही। दिल्ली की बात करें तो यहां अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी 4 दिनों तक यहाँ पर लू के थपेड़े लोगों को बहुत परेशान करने वाले हैं।